हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के पार्ट 2 का रेड्यूस सिलेबस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखें, ताकि आपका कुछ भी पोर्शन छूट ना जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो थ्योरम है ये आपके सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। आगे आते हैं पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 जो है ये पूरा पेज आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। पेज नंबर 9 पूरी तरह से आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। तो अब आ जाइए पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आपको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का ये जो थ्योरम आपको बताया गया है, इस थ्योरम के साथ साथ पेज नंबर 10 पूरी तरह से कट हो चुका है। अब आ जाइए पेज नंबर 11 पर। यहाँ पे है रिमेंबर दिस। ये रिमेंबर दिस का जो कॉलम है आपका, इसमें से थर्ड और फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो आपके कट हो चुके हैं। और आगे पेज नंबर 12 पे सॉल्व एग्जाम्पल जो क्वेश्चन 2 है और एक्टिविटी है वो कट हो चुका है। क्वेश्चन 2 और उसके नीचे की जो एक्टिविटी है वो कट हो चुकी है। आगे देखते हैं, आगे आ जाइए पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आपको जो एक्टिविटी दी गई है वो आपकी कट हो चुकी है सिलेबस में से। और नीचे जो प्रैक्टिस सेट 1.2 दिया गया है उसमें से क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब क्वेश्चन 1 पूरी तरह से कट हो चुका है। और आगे आ जाइए पेज नंबर 14, 15 पर एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, ये जो एग्जाम्पल से आपके वो रिड्यूस हो चुके हैं सिलेबस में से। अब डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 28 पर। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सेट 1 दिया गया है। प्रॉब्लम सेट 1 का एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10, ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। आगे आप डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 से 42 जो है ये दोनों पेज आपके कट हो चुके हैं सिलेबस में से। और आगे आ गए हम पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर प्रैक्टिस सेट 2.2 है। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 5 तक कट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही आपके सिलेबस में से गायब हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 2.2 आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। आगे बढ़िए, आगे आएंगे हम प्रॉब्लम सेट 2 पर। प्रॉब्लम सेट 2 जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस वाला, ये वाला आपका क्वेश्चन कट हो चुका है। सिर्फ यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट है फर्स्ट क्वेश्चन में से। आगे आ जाइए पेज नंबर 45 पे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8, 9 और 12, हाँ स्टूडेंट्स, 8, 9 और 12 जो एग्जांपल्स है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तीनों एग्जांपल्स इसमें से कट हो चुके हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 46 पे। 46 पे 17th और 18th, ये जो दोनों एग्जांपल है ये दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। आगे आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 75 पे। 75 में यहाँ पे टेंजेंट और सेकंड जो थ्योरम है आपका, यहाँ पे ये थ्योरम रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस में से, मतलब ये थ्योरम आपको स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होगा। आगे आ जाइए पेज नंबर 76 पर। पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 82 तक आपको जो भी दिया गया है ये सब कुछ कट है, मतलब पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 82 तक सब कुछ कट हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे आ जाइए पेज नंबर 83 पर। 83 पर प्रॉब्लम सेट 3 जो है आपका, यहाँ पे वहाँ पे उदाहरण 1 मतलब एग्जाम्पल 1 का 7th जो है वो आपका कट हो चुका है, 7th एग्जाम्पल। आगे आ जाइए पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 पर एग्जाम्पल 13th और 15th, ये जो एग्जाम्पल्स है ये दोनों आपके रिड्यूस हो चुके हैं पेज नंबर 87 के। और 88 पर एग्जाम्पल नंबर 16th और एग्जाम्पल नंबर 18th, ये दोनों एग्जाम्पल रिड्यूस हो चुके हैं। आगे पेज नंबर 89 पर एग्जाम्पल 22 भी रिड्यूस हो चुका है। पेज नंबर 90 पर एग्जाम्पल नंबर 24 भी आपका रिड्यूस हो चुका है। स्टूडेंट्स, आगे सीधे आ जाइए पेज नंबर 116 पर। यहाँ पे रेशेचा चढ़ कृति 1, मतलब यहाँ पे ये एक्टिविटी 1 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये कट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए पेज नंबर 117 पर। पेज नंबर 117 से लेके पेज नंबर 121 तक सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, मतलब ये जो
ये जो पेज नंबर 117 से लेकर 121 तक जो भी पेजेस है यहाँ पे जो भी लिखा है वो सब आपकी सिलेबस में से कट किया गया है। आगे पेज नंबर 122 पर आपको उदाहरण नंबर 6, 7, 8 ये जो है आपके कट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स इसी के नीचे जो आपको प्रॉब्लम सेट 5 दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब क्वेश्चन है फोर्थ, ये फोर्थ आपका कट किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों एग्जांपल कट कर दिए गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा ही कट हो चुका है। इसके आगे आ जाइए पेज नंबर 123 पर, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो एग्जांपल नंबर 9, 10 और 22 नंबर का एग्जांपल दिख रहा है ये तीनों एग्जांपल आपकी सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाइए पेज नंबर 156 पर। पेज नंबर 156 से लेकर 159 तक ये तीनों चारों पेज आपके पूरी तरह से कट हो चुके हैं सिलेबस में से। अब आ जाइए पेज नंबर 160 पर। 160 पर आपको जो एग्जांपल 3rd, 4th, 5th दिख रहे हैं ये आपके कट हो चुके हैं। और सबसे आखिर में आ जाइए पेज नंबर 161 पर, यहाँ पर आपको एग्जांपल नंबर 10 दिख रहा होगा, ये एग्जांपल नंबर 10 भी आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है और ये था हमारे क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 2 का रेडियस सिलेबस। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको रेड्यूस सिलेबस के मैथ्स का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।